नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आजकल आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ हेमा मालिनी जी की बायोग्राफी, हेमा मालिनी एक अनकही कहानी, और जिससे जुड़े अनेक किस्से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम जानेंगे कि क्या हुआ था जब जाने माने अभिनेता संजीव कुमार जी की माँ रिश्ता लेकर आ पहुँची हेमा मालिनी जी के घर। बहुत ही दिलचस्प किस्सा है दोस्तों, चलिए जानते हैं। हेमा मालिनी जी और संजीव कुमार ने एक साथ काम किया था सीता और गीता में। इन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया, मगर सीता और गीता जैसी सफलता कोई दूसरी फिल्म को नहीं मिली। शोले में तो उनका कोई खास रोमांटिक ट्रैक नहीं था, तो वो एक अपवाद है। सीता और गीता एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म थी जिसमें हेमा जी का डबल रोल था, और ये एक संयोग ही था कि अपने दोनों डबल रोल में वो जिन हीरोज के साथ थी वो दोनों ही उस समय उनके लट्टू थे, दीवाने थे। एक जोड़ी थी उनकी संजीव कुमार जी के साथ और दूसरी थी धर्मेंद्र जी के साथ। हेमा जी और संजीव जी के ऊपर इस फिल्म में बहुत ही अच्छे रोमांटिक गीत भी फिल्माए गए थे, जैसे हवा के साथ साथ, घटा के संग संग और कोई लड़की मुझे कल ख्वाब में मिली। हेमा जी बहुत ही खूबसूरत थी, ड्रीम गर्ल मानी जाती थी, और संजीव कुमार भी अपने आप को हेमा जी के आकर्षण से दूर नहीं रख पाए और उन पर फिदा हो गए। हेमा के साथ जुड़े विवाद और फिल्मी सितारों के साथ जोड़े जाने का क्रम अनवरत चल रहा था, और इसके कारण काफी असंतोष पैदा हो रहा था। इनसे उपजे तनाव के कारण फिल्मों की शूटिंग भी प्रभावित हो रही थी। इन्हीं कहानियों में से एक संजीव कुमार से हेमा के रिश्ते के बारे में भी कहा जाता है कि जब संजीव की माँ हेमा के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर गई तो जया जी ने यह कहकर मना कर दिया कि हेमा घर बसाने के लिए अभी बहुत छोटी है। संजीव भी हार मानने वालों में से नहीं थे और उन्होंने जितेंद्र, जो उस समय हेमा के साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे, से हेमा तक अपनी बात पहुंचाने को कहा। कहा जाता है कि जितेंद्र ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने मित्र के गुणों की चर्चा हेमा से की। वे सादगी पसंद व्यक्ति थे और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वे अविवाहित थे। हेमा ने इन सब से सहमति जताई और अपने प्रति संजीव की भावनाओं के प्रति सम्मान भी जताया। वे संजीव को पसंद तो करती थी, पर इतना नहीं कि उनके साथ सारा जीवन बिता सके, और हेमा ने यह कहने का साहस भी जुटा लिया। यह कहा जाता है कि संजीव हेमा के द्वारा रिश्ता ठुकराए जाने को सहन नहीं कर सके और काफी अधिक शराब पीने लगे। उनके मित्रों ने जितेंद्र पर हेमा के प्रेम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, परंतु हेमा को जानने वाले सभी लोग यह मानते हैं कि जितेंद्र का पक्ष इस मामले में काफी हद तक पारदर्शी था। जब उन्होंने पूरी तरह से यह जान लिया कि हेमा के मन में संजीव के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तभी उन्होंने अपनी चाहत के बारे में उन्हें बताया। उस समय वे दोनों बेंगलोर में सी वी राजेंद्रन की फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे और काफी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत रहते थे। सेट पर रहने वाले हर किसी को पता था कि जितेंद्र हेमा के प्यार में पूरी तरह आसक्त थे। उनके इरादे भी काफी अच्छे थे और वो हेमा के साथ शादी करना चाहते थे। हेमा के करीबी लोगों ने उन्हें एक योग्य वर पाया जो काफी खूबसूरत, समझदार, विचारवान और कुंवारे भी थे। हेमा ने खुलकर कुछ नहीं कहा था, पर उनका झुकाव इस रिश्ते के प्रति हो रहा था। तो दोस्तों, लगाते हैं इस वीडियो को यहीं पर विराम। और आज का वीडियो तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था। संजीव कुमार जी ने भेजा जितेंद्र जी को हेमा जी के पास अपना प्रस्ताव लेकर। पहले उनकी माता जी गई, जब माता जी से बात नहीं बनी तो अपने दोस्त जितेंद्र जी को उन्होंने आगे कर दिया। पर हेमा जी तो इतनी खूबसूरत ही थी, हालांकि जितेंद्र जी ने पहले अपनी दोस्ती का पूरा फर्ज निभाया और जब जान लिया कि संजीव के बारे में हेमा के दिल में कुछ नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ही अपना प्रस्ताव रख देता हूँ। और हेमा जी भी शायद थोड़ा झुकाव उनका भी हो गया था जितेंद्र जी के आगे। अब आने वाले वीडियो में जानेंगे कि फिर हेमा जी और जितेंद्र जी का प्यार आगे कैसे नहीं बढ़ा और उनकी शादी धर्मेंद्र जी से कैसे हो गई। है ना बहुत इंटरेस्टिंग? तो आने वाले वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहिएगा, और जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।